दुनिया एक स्लेट है, यह स्लेट है, यह दुनिया है, दुनिया एक स्लेट है, इस पर लिखो क और उसे मिटा दो, फिर लिखो ख और उसे भी मिटा दो, तुम जो चाहो सो लिखो इस पर और उसे मिटा दो। इस पर हर चीज लिखी जा सकती है और हर चीज इस पर से मिटाई जा सकती है, तुम चाहो तो अनंत काल तक इस पर कुछ भी लिखते रहो और कुछ भी मिटाते रहो, पर यह बनी रहेगी इसी तरह काली और चमकदार, इस पर लिखी जाती रहेंगी 12 खड़ियां और गिनतियां अनंत काल तक, इसलिए कृपा करके इसे खेलो नहीं, खेलने से यह टूट जाएगी। सर, भारत जैसे मुल्क में जहाँ पे 125 करोड़ से भी ज्यादा आबादी रहती है, उसमें से 19 से 20 फीसदी माइनॉरिटी जो इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनको भी बराबर के अधिकार मिले हुए हैं जो बाकी के 125 करोड़ आवाम के लोगों को मिले हुए हैं, तो अगर शिक्षा की बात की जाए, शिक्षा से शुरू किया जाए, माफ कीजिएगा, ऐसा लोगों के मन में विचारधाराएं हैं कि मुसलमान परिवार जो है अब खासकर अपनी बेटियों को ज़्यादातर शिक्षा प्राप्त ना करने के लिए, तो मैं नहीं बोलूँगा कि फोर्स करते हैं, बट हाँ उतनी लड़कियाँ नहीं जा पाती हैं स्कूलों तक, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? नहीं देखो, अब तो वक्त बदल गया है जी, आज की तारीख में ये बात अब मायने नहीं रख रही है जी, ये आज से 40-50 साल पहले जी ये समस्या थी जी, लेकिन अब ये प्रॉब्लम अब ये नहीं है, अब लड़कियाँ पढ़ रही हैं, मुसलमान लड़कियाँ है कि नहीं, और चाहे आप जामिया मिलिया को देख लीजिए, अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी चले जाइए या किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाइए, इलाहाबाद में चले जाइए आप, BHU चले जाइए आप, कहीं भी चले जाइए, वो पढ़ रही हैं लड़कियां, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ रहे हैं, अब पढ़ा रहे हैं लोग लड़कियों को, है ना। सबसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनारस में थी जब मैंने उपन्यास लिखा है जीनी बीनी चल रही है वहाँ के साड़ी वीवर्स के बारे में, तो वो लोग लड़कियों को नहीं भेजते थे पढ़ने के लिए, बस कुरान पढ़ा दिया है ना, लेकिन अब भेज रहे हैं, अब भेज रहे हैं, अब उनके अंदर चेतना आ रही है, जागृति आ रही है, तो वो स्कूल भेज रहे हैं, कॉलेज भेज रहे हैं, हैं, और तुम देखो चाहे वो नकाब ओढ़ कर ही जाती हैं, लेकिन जा तो रही हैं, है ना, जा तो रही हैं, और ऐसी भी लड़कियों के उदाहरण हैं, मैं बताऊं कि जिनको मान लीजिए कि 8वीं कक्षा तक पढ़ाकर और माँ बाप ने घर बैठा दिया, अब वो लड़कियां भी प्राइवेट कर रही हैं सर, है? ऐसी एक लड़की पिछले दिनों मुझे मिली जिसने 8th क्लास के बाद सारी एजुकेशन प्राइवेट किया, उसने हाई स्कूल प्राइवेट किया, उसने इंटरमीडिएट प्राइवेट, BA प्राइवेट, MA प्राइवेट, हाँ? फिर अब PhD कर रही हो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, है ना, तो है ऐसा बात नहीं कि नहीं है, है। हाँ, प्रॉब्लम्स जो हैं ये अभी जो पिछड़े हुए इलाके हैं जी, ना, जो पिछड़े हुए इलाके हैं, गांव हैं, कस्बे हैं, वहाँ ज़रूर इस तरह की अभी आरक्षण से क्या होगा, देखो आरक्षण दे वैसे तो दे दिया है, अब देखिए कि OBC को रिजर्वेशन मिला हुआ है जी, तो OBC में सिर्फ हिंदू नहीं आते जी, उसमें मुसलमान भी आते हैं जी, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो आई है जी, तो उसमें उन्होंने तकरीबन जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, करेक्ट कर लेना, वैसे जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि 27 ऐसी जातियों का उसमें जिक्र हवाला दिया गया है, मुसलमान जातियों, है ना, जो OBC में आते हैं, हाँ, अदर बैकवर्ड ये क्लास जो है ना OBC में आते हैं, तो है आरक्षण ऑलरेडी है, ये कौन सी डिमांड है, किस चीज़ में नहीं है भाई, ठीक है, जब जब ये
एडमिशन में भी है जी। और ये नौकरियों में भी है, है? क्या किसी भी वजह से, सोसाइटी की वजह से या माइनॉरिटी होने की वजह से? देखो जॉब में तो प्रॉब्लम है जी, जॉब में तो दिक्कत है जी, है कि नहीं? तो जब तक मेंटेलिटी नहीं बदलेगी समस्याएं बनी रहेंगी, है कि नहीं? हाँ, इस बारे में तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ। अब ये प्रॉफेट मोहम्मद रसूलुल्लाह, उनसे एक बार एक शख्स ने ये सवाल ये पूछा था कि हमें कितनी आज़ादी है और कितनी नहीं है, हैं? तो उन्होंने कहा खड़े हो जाओ। तो खड़ा हो गया, कहा अपना एक उठाओ, दाहिना पैर उठाओ। तो उठा लिया, कहा अब बायां भी उठाओ। दोनों पैर तो कैसे उठाएगा, नहीं उठा सकता ना। तो उन्होंने कहा तुमको इतनी आज़ादी है कि तुम जब चाहे पैर उठा सकते हो, लेकिन अगर एक पैर जब उठा है तो दूसरा पैर तुम नहीं उठा सकते, इतनी पाबंदी है। इतनी आज़ादी है, उतनी पाबंदी है। दुनिया एक स्लेट है, इस पर लिखो क और उसे मिटा दो, फिर लिखो ख और उसे भी मिटा दो। इसलिए कृपा करके इसे खेलो नहीं, खेलने से यह टूट जाएगी। द भारत टुडे की वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।